वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेजड करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें ऐसी इन्फ, इन्फॉर्मेशन से वो भी अग आ रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हृतिक रोशन रानी मुखर्जी करीना ये अ लीड रोल में आप लोगों को नजर आएंगे उसके साथ उदय चोपड़ा बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर किस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुनाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह नाइन्टीज़ के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और नाइन्टीज़ के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like, मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह आगा ऐसी इन्फ, उनफॉर्मेशन से वो भी आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो यहां पर बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे लोगों को इस की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी के सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेजड रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम तो तो चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इंफॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट

सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कृाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेजड रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और मूवीज देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट

सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेजड रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन इन्फ, ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफ़िनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल को कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे, अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कपूर, ये लीड रोल में आप लोगों को नजर आएंगे उसी के साथ उदय चोपड़ा बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफ़िनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांद से देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इन्फ... ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि

तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोटेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुनाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहां पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिली जस्ट लाइक like, मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन इन्फ, ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया हैजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर किस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड इन सारी मूवीज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेजड करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like, मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह आगा ऐसी उनफॉर्मेशन से वो भी आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को इस मूवी बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन इन्फ, ऐसी इंफॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे

बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी के सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कृणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फ, से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे

बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी के सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेजड रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन इन्फ... ऐसी इंफॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स हालांकि आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हृतिक रोशन रानी मुखर्जी करीना कपूर ये एज अ लीड रोल में आप लोगों को नजर आएंगे उसी के साथ उदय चोपड़ा बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारी, सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल को कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तो से दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड इन सारी मूवीज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज को एक-एक के एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर इनके लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेजड रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स हालांकि आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हृतिक रोशन रानी मुखर्जी करीना कपूर ये एज अ लीड रोल में आप लोगों को नजर आएंगे उसी के साथ उदय चोपड़ा बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम तो चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फ, से वो भी आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप आप लोगों को को तो आप लोगों को 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 इस मूवी में में देखने मिलेंगे तो पर रोशन, रानी मुखर्जी, कपूर ये अ लीड रोल नजर आएंगे उसके साथ उदय चोपड़ा, बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड टर्नज़्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह नाइन्टीज़ के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और नाइन्टीज़ के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालोंات के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक لازمی से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप, लोगो तो आप लोगों को को इस मूवी में देखने मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया हैजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड इन सारी मूवीज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज्ड रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवालत पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल को कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है या न अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह नाइन्टीज़ के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और नाइन्टीज़ के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल still... ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फ, से वो भी आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं, है, बट नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफ़िनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल still... ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फ, से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे

बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारे के सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे

बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ इंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी दो जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को इस बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुनाल को कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम दोस्ती करोगे फना, थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार, मैजिक, तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी, ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड इन सारी मूवीज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उन इन्फ, ऐसी इन्फ, इन्फॉर्मेशन से वो भी आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप, लोगो तो आप लोगों को को इस मूवी में देखने मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें हम इस इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को लो और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन है डेफ़िनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कृणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी के सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिली जस्ट लाइक like मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज़ देखने को मिली थी तो यहाँ पर दो दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, तुम तुम हैं।, तुम हैं। तुम तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टर्स हालांकि आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया हैजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 70 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं, है, नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन है डेफ़िनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी, सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारे की सारी, सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम तो मुझसे दोस्ती करोगे फ़ना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s के एरा की मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसी मूवीज़ तलाश करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमने ना देखा हो और 90s के एरा से बिलोंग करता हो या फिर उस तरह का कुछ कंसेप्ट भी हो तब भी चल जाता है तो हाँ आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर की है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे ये बेसिकली तो एक रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखा जाता है बट स्टिल ये आप लोगों को सिर्फ ना सिर्फ एंगेज करेगी बल्कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपने साथ बांध लेगी और आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप लोग एक सेकेंड भी इधर से उधर जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी 2000 जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिली जस्ट लाइक मोहब्बतें और आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज देखने को मिली थी तो यहाँ पर 2002 दो में आप लोगों को एक मूवी देखने को मिली थी मुझसे दोस्ती करोगे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड तब तो आप लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था बट अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर दोबारा से सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उन ऐसी इंफॉर्मेशन से वो भी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आज किस वीडियो को बात कर लेते हैं जी मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स हालांकि आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हृतिक रोशन रानी मुखर्जी करीना कपूर ये एज अ लीड रोल में आप लोगों को नजर आएंगे उसी के साथ उदय चोपड़ा बरखा सिंह सतीश शाह किरण कुमार ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है इस मूवी की गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग है और अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तो लाइक किया गया बट इसका जेनर क्या था हमें इसमें बेसिकली कितने परसेंट तक जो है वो क्या देखने को मिलेगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो रोमांस देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा क्योंकि इसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आप लोगों को और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स इसमें देखने को मिलते हैं हाँ ये रोमांस के रिलेटेड ही ट्विस्ट एंड ट्रेंड्स हैं कोई थ्रिल वाले नहीं हैं बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन है डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए चाहे वो किस कदर भी अच्छी मूवी हो या फिर या कोई भी मूवी हो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की, की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है आप लोगों के सामने और संभाली है जी कुनाल को कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे फना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तेरी मेरी कहानी फिर से नेक्स्ट एंटी ये सारी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन सारी मूवीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है या न अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए